ये देखो पीपीओ वाले लोग क्या करते हैं भाई, एक तरफ बेचारा ये प्लेसमेंट के लिए मेहनत कर रहा है और ये पीपीओ वाला बच्चा गेम खेल रहा है। क्योंकि 50 लाख दे रही है ये, वो 50 लाख दे रही है कंपनी, 50 लाख दे रही है, तो कंपनीज तो कम ही आ रही है। रिसेशन टाइप माहौल चल रहा है। हाँ, रिसेशन। अतिशय भाई कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है। सो हाय गाइस, कैसे हो यार आप सभी। एंड आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो रहा है 27 नवंबर के रात के 4 बजने वाले ऑलमोस्ट। एंड अब आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट सीजन जो है वो चालू होने वाला है, 1 दिसंबर से चालू होता है। तो अब बस 4 दिन रह रहे हैं, 27, 28, 29 एंड 30। तो आईआईटी बॉम्बे में बच्चे किस तरीके से प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्या चीजें करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मेरे रूम से निकलते ही सबसे पहले आता है विनायक का रूम, बट क्योंकि वो घर जा चुका है एंड उसका पीपीओ भी है तो उसके रूम पे तो अभी नहीं जाएंगे। प्रशुल भाई के रूम पे चलते हैं। हाय प्रशुल भाई, कैसे हो? हेलो ब्रो, क्या चल रहा है? बस यार भाई डीएसए कर रहे थे प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, सॉफ्टवेयर में बैठ रहे ना? सॉफ्टवेयर में क्या? हाँ। एंड ये क्या है यार, यहाँ पे भी सब लगता है कुछ तो कुछ है। ट्रेडर का दिया था टेस्ट, ऑर्बिट मार्केट्स करके एक कंपनी है। अच्छा, उसका दिया था। तो ये क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि 50 लाख दे रही है ये। वो 50 लाख दे रही है कंपनी, 50 लाख दे रही है, लेके जाएगी। सही यार, मतलब एक बार क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ लोगों को अगर देखना हो तो ये देख सकते हो यार, ये कौन ट्रेडर रोल के लिए है ना, ऑर्बिट मार्केट्स। एंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करना बनाने का जो भी प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं। तो मतलब कैसा ये कंपनी में क्या है? ये कंपनी का यूनिक टेस्ट इसलिए लगा क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन तो सेंटर में ही करने थे। अच्छा। उसके बाद बाकी तीसरा क्वेश्चन का 24 आवर्स की डेडलाइन दी हुई है। 24 आवर्स का डेडलाइन है, कभी भी बनाओ, खुद से बनाओ, तो चैलेंज देखो उनका। अच्छा, इसका बैक में भी आएगा क्वेश्चन है तो वो भी दिखा देता हूँ मैं, ये भी एक बार आप चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले रखना। ये इस वाले की 24 आवर्स की डेडलाइन है कि 24 घंटे ले लो और बनाते रहो, बनाते रहो यार। सही अगर है, सॉल्व हो गया तो ठीक है, इसलिए अटेम्प्ट भी नहीं किया कि पता है कि हाँ 50 लाख दे रही है तो क्या ही है? 50 लाख दे रही है कंपनी। हाँ, 50 लाख। सही है भाई, चलो बढ़िया बढ़िया। एंड ऑल दी बेस्ट आपको आपके उसके लिए। इनका पेंटिंग आपने बहुत बार देखा होगा वैसे तो, बट कोई बात नहीं। चलो प्रशुल बाय बाय। वैसे प्रशुल के रूम के बाद पुलकित भाई का रूम आता है, देखते हैं वो क्या कर रहा है। पुलकित भाई आ जाओ क्या? पुलकित भाई भी लगे हुए हैं यार, क्या कर रहे हो पुलकित यार? लिट कोड कर रहे हो, दिखाना जरा क्या कोड कर रहे हो एक बार। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाओ। एसक्यूएल का क्वेश्चन है क्या? वैसे टाइम अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे 3:52 हो रहे हैं रात के। तो पुलकित कौन सी कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हो? किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन रहती है? प्रिपरेशन तो यही रहती है, लीड कोड वगैरह कर लो, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड सॉल्व कर लो, बाकी रेज्यूमे तो जो था वो हो गया, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो पहले करने थे वो तो कर चुके। अच्छा, और इतना धीरे क्यों बोल रहे हो भाई, परेशान हो गया? अरे नहीं, चली भाई पुलकित भाई, परेशान नहीं होना है भाई बिल्कुल। एंड वैसे आपका ये सेटअप आज आपने बंद कर रखा है? पेपर वगैरह होते तो फिर काफी डिस्टरबेंस होता है ना मॉनिटरिंग का। चलो, और क्या एक्सपेक्टेशन है प्लेसमेंट सीजन से? प्लेसमेंट सीजन पहले से तो यानी कि ज्यादा अच्छा नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है प्लेसमेंट से। ऐसे कुछ कह नहीं सकते अभी तो, कंपनीज तो कम ही आ रही है। रिसेशन टाइप माहौल चल रहा है। हाँ, रिसेशन तो डर लग रहा है थोड़ा। हाँ, डर तो है बट कोई बात नहीं है, डर क्या के जीत है। हाँ, क्या बोलना चाहोगे अपने आप से जब तुम ये वीडियो 1 साल बाद देखोगे? मतलब मान लो पुलकित 2024 वाला, 2023 वाले पुलकित को क्या बोलेगा? तूने अपनी पूरी ट्राई की प्लेसमेंट्स के अंदर, बाकी तो जो लगता वो क्या। चलो यार बढ़िया बढ़िया, चलो बाय बाय, टेक केयर। ये देखो यार, अभी मैं बस वीडियो बना ही रहा था, गौरव दिख गया है। ये देखो उसके टी शर्ट पे भी लिखा है गौरव। गौरव रुको रुको यार, अब प्लेसमेंट में सिर्फ 4 दिन बाकी है, कैसे प्रिपरेशन है? सच में? सच बोलो, झूठ? मेरे पास सच में मेरे को नहीं पता यार, सच में नहीं पता यार, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार। कौन सी कंपनी के अंदर बीपीओ है? अरे यार बधाई हो यार, बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे मुझे सच में नहीं पता था, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या बोलना चाहोगे प्लेसमेंट जिनका है उनको, क्या बोलना चाहोगे? यार इसके चेहरे की मुस्कान देखो, इसकी लग गई है तो। चलो बाय भाई, ये देख सकते हैं ये लोग अभी क्या लेके आए हो, रात के 4 बजे ये ऑर्डर कर, भूख लग गया। ये बताओ प्लेसमेंट की कैसी तैयारी चल रही है? यार अभी प्लेसमेंट का मत पूछो यार, चल रहा है। चलो कोई नहीं, वैसे इधर शिवम भी दिखा मुझे अभी, जस्ट 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 ये लिफ्ट आया, क्या हो गया?
प्लेसमेंट के बाद में क्या ऑर्डर किया दिखाना? ये चिकन चीज सैंडविच। चिकन चीज सैंडविच सही है यार। और प्लेसमेंट के बारे में बताओ कैसा चल रहा है? ये बताना नहीं वैसे चल रहा है, प्लेसमेंट नहीं पूछना। और वहाँ पे गौरव, आपको गौरव पहले आपको दिख चुका है जिसका पीपीओ लग चुका है। शिवम परेशान होके जा रहा है यार, परेशान नहीं होना है भाई, ऑल दी बेस्ट। ये देखो भाई एक और बंदा मिला अभी जस्ट। आयुष भाई क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बस 3 दिन में प्लेसमेंट्स है। हाँ 4 दिन है अभी, मैंने जस्ट बताया 27, आज 27 है, 27, 28, 29, 30 फर्स्ट दिसंबर। तो कैसा लग रहा है? टेंशन है, शॉर्टलिस्ट आ रही है धीरे धीरे, कंपनी अनाउंस कर रहे हैं कौन सी डेट आएंगे, रनर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं आप। चल रहा अभी धीरे धीरे। और अभी सुबह के 4 मतलब रात के 4 बजे कह लो, इतनी रात तक क्यों जगे हुए हो? बस टेस्ट देके आए थे 2 बजे। टेस्ट 2 बजे खत्म हुआ, कौन सी कंपनी का? ऑर्बिट मार्केट सा लेट हो गया। अच्छा वो ऑर्बिट मार्केट सा अभी जस्ट मैंने देखा, वो शायद ट्रेडिंग वाला था ना कुछ, डिले हो गया टेस्ट। अच्छा 50 लाख दे रही है कंपनी, हो जाएगा? क्या बात है यार। और क्या बोलना चाहोगे लोगों से जो आपको देख रहे हैं? बस ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। चलो आयुष भाई बाय, ऑल द बेस्ट। सो गाइज वी हैव स्पॉटेड अतिशय जैन, नयन एंड आदित्य। अतिशय भाई कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? अच्छा अच्छा चल रहा है। 4 दिन बाकी है, क्या लगता है? इंतजार है। क्या इंतजार है? इंतजार है। कैसा होगा सब कुछ? अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा बिल्कुल। एंड अभी कहाँ जा रहे हो? लिफ्ट आ गई, जा रहा है खाना लेने। क्या बात है यार, 4:30 बजे खाना लेने। नयन आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? भाई नयन को मेरे अभी जस्ट पता चला मुझे कि नयन बीटेक डिग्री में है, मैं कंफ्यूज था। तो नयन को भी ऑल द बेस्ट। और आदित्य तो भाई 5th ईयर वाला है, तो बाय बाय। अरे चलो चलो जाओ, तुम लोग मिलते हैं ना। तो यार जब मैं इधर से आ रहा था आते वक्त तो गेट बंद था इधर वाला, बट अभी गेट खुल चुका है एंड अंदर सूरज है यार। और भाई सुमित क्या कर रहा है? सुमित वैसे सूरज इसका तो पीपीओ हो चुका है भाई, पीपीओ बॉय है। अगर पीपीओ आपको नहीं बताया तो प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है एंड ये नवोदय से भी है, दक्षिणा देखो इसके टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको उसके साथ डिटेल्ड पॉडकास्ट टाइप वीडियो चाहिए तो बताना। सुमित कैसा लग रहा है पीपीओ के बाद? अच्छा ही लगता है, पीपीओ का अच्छा क्यों नहीं लगेगा। ओहो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस आराम से जा रहा। माँ बाप क्या बोलते हैं? अच्छा फील करते हैं भाई, अब तो हो गया प्लेसमेंट। सही है यार। और सूरज भाई आप बताओ, इनका प्लेसमेंट अभी बाकी है, चल रहा है? प्लेसमेंट का प्रिपरेशन चल रहा है, 4 दिन के बाद से इंटरव्यू स्टार्ट है। आज जल्दी सो गया था थोड़ा। हाँ भाई जाते वक्त तुम्हारा गेट बंद था इसीलिए नहीं आया था अभी। आज जल्दी सो गया था, मतलब 10 बजे के आसपास डिनर करके फिर सोचा सुबह उठ के पढ़ूंगा, तो नींद खुल गई। तो बस भाई 4:30 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है ये? बस थोड़ा सा कोडिंग के क्वेश्चन देख रहा था, लगा रहा था। सही है भाई। और अभी सूरज ने मेरे को अपना रनर बनाने का बात कहा, वैसे बताओ रनर क्या होता है, इनको बताओ जल्दी से। रनर मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे मेरा मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो हो सकता है कि किसी भी टाइम पे कोई भी कंपनी आ जाए, तो मतलब साइन अप वगैरह करना हो सकता है, मैं इंटरव्यू में हूँ या फिर कहीं टेस्ट दे रहा हूँ। तो रनर का बेसिकली रोल होता है कि वो साइन अप करे या फिर कोई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात हो मेरा, मतलब वो मेरे एब्सेंस में मतलब मेरा सारा लगा रखी है। क्या क्या लिखा है वैसे तुमने इस पे? अरे उसमें बेसिकली मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लिखी है, जैसे होता नहीं कभी कभी भूल जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी चीजें मुझे मतलब एक बार देख के जाना है रेज्यूमे में जो लिखा हुआ है कि अच्छे से रिवाइज करना, मतलब भूल ना जाए कुछ, मिस ना हो जाए, इसलिए नोट बना के। सही है यार, खतरनाक माहौल है भाई। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सुमित भाई, बाय बाय। आप तो खतरनाक आदमी बन चुके हैं बिल्कुल। क्या दिखा, देख अपना फोन दिखाना जरा क्या कर रहा है। ये देखो भाई, ये देखो पीपीओ वाले लोग क्या करते हैं भाई। एक तरफ बेचारा ये प्लेसमेंट के लिए मेहनत कर रहा है और ये पीपीओ वाला बच्चा गेम खेल रहा है। सही है भाई। ये भाई अब ये गेम मैंने अपने हाथ में ले लिया है और इसको अब जिताऊंगा। और वहाँ पे सूरज जा रहा है ब्रश करने के लिए। देखो सर सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं एंड ये देखो ये दो लड़के दिख रहे हैं आपको, दोनों पीपीओ वाले हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर वाले, दोनों मज़े से खेल रहे हैं भाई बिल्कुल। चलो खेलो यार। सर कुछ इस तरीके से आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको प्लेसमेंट्स के और भी ब्लॉग्स चाहिए, पूरी तरीके से प्लेसमेंट्स कवर करो या नहीं। एंड अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।